गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी तक सेल यानी कि कोशिका और उनके जितने भी अंग थे उन सब के ऊपर हमने अच्छे से बात की है। उम्मीद करता हूं कि वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। क्लियर। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं और वो जो नया टॉपिक है वो है हमारा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, क्लियर। देखिए, कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन, ये हमारे होल लाइफ में कंप्लीट पूरे जीवन के दौरान लगातार चलता रहता है और इसी की बदौलत हमारे अंदर वृद्धि और विकास होता है। क्लियर। अगर आपको याद है तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, शरीर का निर्माण कैसे होता है। मैं एक बार उसको पुनः बताना चाहूंगा ताकि ये जो टॉपिक है उस टॉपिक में हमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए, हमने बात की थी कि जो कोशिका है, एक जो कोशिका है, उन कोशिकाओं से किस प्लान में, किस पैटर्न में हमारा शरीर का निर्माण होता है। देखिए, हमारा जो विकास है वो एक छोटी सी जो कोशिका है, एक जो छोटी सी जो कोशिका है ना, उस कोशिका से हमारा विकास होता है। और अगर आपको याद है तो उस कोशिका को कहते हैं अपन 2n zygote। क्या कहते हैं? 2n zygote यानी कि युग्मनज। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं युग्मनज। क्लियर। और इसी युग्मनज से धीरे धीरे हमारा जो विकास है वो कंप्लीट होता है। कैसे? कि ये जो जाइगोट, इसको मैं अब लिख रहा हूं एक कोशिका, है ना, एक कोशिका यानी कि सिंगल सेल। ये सिंगल जो सेल है, एक जो कोशिका है, लगातार विभाजित होती है, टूटती है, एक एक से दो, दो से चार, यानी कि लगातार मल्टीपल दुगनी दुगनी होती जाती है। तो हमने बात की थी कि इसके जो समूह बनते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं के इस तरीके से समूह बन जाते हैं, है ना, और इन समूह को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आपके उत्तक यानी कि टिश्यू। क्या कहते हैं? उत्तक यानी कि टिश्यू। तो देखिए, यहां इसके बीच में ऐसा क्या होता है, हम उस चीज को यहां बात करेंगे। समझ रहे हो बात को? कि कैसे ये एक जो कोशिका है ना, कैसे ये एक कोशिका है जो एक से अधिक कोशिकाओं में बदल जाती है, और उसी प्रोग्राम को, उसी को हम कहते हैं कोशिका विभाजन यानी कि आपके सेल डिवीजन। क्या कहते हैं? सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। क्लियर। इसी को एक बार मैं पूरा करूंगा कि उत्तक है, उत्तकों का जो समूह है ना, ग्रुप ऑफ टिश्यू, इज कॉल्ड टिश्यू सिस्टम। क्या कहते हैं? टिश्यू सिस्टम यानी कि उत्तक तंत्र कहते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे उत्तक मिलकर के, है ना, नंबर ऑफ टिश्यू सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं ऑर्गन यानी कि अंगों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अंगों का निर्माण। जैसे किसी ने मिलकर के हाथ बना दिया, किसी ने चेहरा, किसी ने सर, किसी ने पैर, ऐसे करके हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर। तो ये अंग मिलकर के, ये सभी अंग मिलकर के यानी कि ऑर्गन मिलकर के, तो डिफरेंट जो ऑर्गन है ये मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। इसको कहते हैं हम अंग तंत्र। क्या कहते हैं? अंग तंत्र, अंग तंत्र कहा जाता है। क्लियर। और इन्हीं अंग तंत्रों से हमारी बनती है बॉडी। क्या बनती है? इसी से बनती है अपनी बॉडी यानी कि शरीर। ये सेम जो पैटर्न है, ये सेम पैटर्न रहता है दोनों में, कौन? प्लांट कह दीजिए और चाहे एनिमल कह दीजिए, यानी कि जंतु और पादप, दोनों के अंदर जो पैटर्न है शरीर बनने का यानी कि बॉडी के बनने का, वो पैटर्न सेम रहता है। तो मैं वापस अपने पॉइंट पर आऊंगा कि किस प्रकार से हमारा शरीर बनता है। शरीर इस पैटर्न से बनता है यानी कि फाइनल अगर आए तो वो है हमारी सेल यानी कि कोशिका। एक कोशिका ही धीरे धीरे टूट टूट करके
एक से दो, दो से चार, कंटिन्यू हमारी पूरी बॉडी का निर्माण करता है और उसी को हम कहते हैं उसी का विभाजन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है, सेल डिविजन यानी कि कोशिका विभाजन। क्लियर? देखिए इसमें हम आगे बात करें कि जो सेल डिविजन है उन सेल डिविजन को थोड़ा और डिफाइन करें। हमने स्टार्ट किया था ना कोशिका विभाजन, तो जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में बेसिक जो चीज है वो क्या है कि कोई एक कोशिका है, कोई एक कोशिका जो है, ठीक है, ये एक कोशिका, ये टूट करके एक से दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इस पैटर्न को अपन कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन कहते हैं। क्लियर? इसमें होगा क्या कि लगातार कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, लगातार कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, है ना। तो अब हम देख रहे हैं कोशिका विभाजन के प्रकार, तो कैसे कैसे कोशिकाओं का विभाजन जो होता है। तो देखिए मुख्य रूप से जो कोशिका विभाजन है वो आपके दो प्रकार से होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और दूसरा होता है आपके अर्ध सूत्री विभाजन। तो कितने प्रकार से होता है भाई? एक तो समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अपना अर्धसूत्री विभाजन। तो दोनों विभाजनों को हम वन बाय वन देखेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि कोशिका विभाजन में ऐसा एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए कोशिका जो विभाजन है, कोशिका विभाजन एक चक्रीय प्रक्रिया है। क्या चीज है? एक चक्रीय प्रक्रिया है, एक साइक्लिक प्रोसीजर है, है ना। उसको कहते हैं कोशिका चक्र। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं कोशिका चक्र। क्या कहते हैं? कोशिका चक्र, यानी कि इसको सेल साइकिल या एक साइक्लिक प्रोसीजर कहते हैं इसको। इसमें देखिए होगा क्या कि एक सेल टूट करके दो सेल बनाएगी, यानी कि एक जो कोशिका है, ध्यान रखना इसको पेरेंट या मातृ कोशिका कहते हैं। क्या कहा जाता है? मातृ कोशिका। क्लियर? और इनको कहा जाता है पुत्री कोशिका। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है डॉटर सेल या पुत्री कोशिका कहा जाता है। क्लियर? तो किस प्रकार से एक पेरेंटल सेल है ना, ये कौन सी सेल है भी? एक पेरेंटल सेल जो है वो डॉटर सेल में चेंज होती है। एक साइक्लिक, एक चक्रीय प्रक्रिया है और उस चक्रीय प्रक्रिया को आपकी कोशिका चक्र कहते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं कि मातृ कोशिका से संतति, और इसी को पुत्री कोशिका कहते हैं, संतति या पुत्री कोशिका के निर्माण की चक्रीय व्यवस्था चक्रीय प्रक्रिया को कोशिका चक्र कहते हैं। ठीक है? देखिए मातृ कोशिका से संतति या पुत्री कोशिका के निर्माण की जो चक्रीय प्रक्रिया है, और उस चक्रीय प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अपन कोशिका चक्र कहते हैं। जिसमें क्या होगा भी? जिसमें जो मातृ कोशिका है उस मातृ कोशिका से पुत्री यानी कि डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। क्लियर? फिर हम बात करें कि जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन की जो चक्रीय व्यवस्था है उसे क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं। अब देखिए जो कोशिका जो चक्र है, ये कोशिका चक्र अपने पूरे पैटर्न को फॉलो करता है। कैसे? देखिए इसके अंदर, यानी कि कोशिका चक्र के अंदर मुख्य रूप से
कोशिका चक्र, है ना। तो कोशिका चक्र के अंदर मुख्य रूप से दो अवस्थाएं होती है। एक जो अवस्था है उसको कहते हैं अंतरावस्था, अंतरावस्था, इसी को कहते हैं इंटरफेज, ठीक है। और एक होती है इसमें विभाजन अवस्था, एक होती है विभाजन, विभाजन अवस्था, और इसी विभाजन अवस्था को कहा जाता है एम अवस्था या एम प्रावस्था। क्या कहा जाता है? एम अवस्था या एम प्रावस्था कहा जाता है। क्लियर? तो किस प्रकार एक अंतरावस्था के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है और एम अवस्था में क्या क्या एक्टिविटी होती है, है ना, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो उसके ऊपर देखिए इस प्रकार से, ये एक कोशिका चक्र का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? कि किस प्रकार से, इधर गौर कीजिए, किस प्रकार से जो ये एक कोशिका है ना, ये एक कोशिका एक चक्रीय पैटर्न, एक चक्रीय प्रक्रिया के द्वारा एक से दो कोशिका में बदल जाती है। क्लियर? तो देखिए ये कौन सी कोशिका थी, इसको कहते हैं हम मातृ कोशिका, मातृ कोशिका। क्लियर? और इनसे दो कोशिका बन गई है ना, और इन कोशिकाओं को कहा जाता है आपके पुत्री कोशिकाएं या कोशिका, ठीक है, पेरेंटल सेल, और इसको कहा जाता है डॉटर सेल यानी कि पुत्री कोशिका। ये पेरेंटल यानी कि मात्र जो कोशिका है ये एक चक्रीय प्रक्रिया को फॉलो करके कंटिन्यूस, है ना, और एक से दो भागों में टूट जाती है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, कोशिका का एक से दो भागों में टूट जाना कोशिका विभाजन कहलाता है, और यह एक चक्रीय प्रक्रिया के दौरान होता है जिसे कोशिका चक्र कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कंप्लीट जो है, जो कोशिका जो चक्र है, कोशिका चक्र में अभी हमने बात की थी दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था कौन सी होती है? पहली जो अवस्था है उसको कहते हैं अंतरावस्था, अंतरावस्था, है ना, यानी कि इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस। और अंतरावस्था जो है उसको भी आगे, उसको भी आगे तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। क्या है? G1S G2। देखिए इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर कई क्वेश्चंस बनते हैं और हर बार एग्जामों में इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? कि अंतरावस्था यानी कि इंटरफेस को कितने सब यूनिट्स में, सब टाइप्स में बांटा गया है? तो G1S G2। अब बात आती है कि सर ये जीवन क्या चीज है, तो देखिए इसको कहते हैं गैप वन। क्या है भी? देखिए इसको आप, इसको सिंपल भाषा में आपको याद रखने की तरीका बता रहा हूं, इसको आप यूं लिख ले तैयारी, इसको आप यूं लिख ले कि तैयारी की प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था है? तैयारी, तैयारी। अब देखो एक एग्जांपल से बात करते हैं। हमें मान लो हलवा बनाना है। क्या बनाना है? हलवा। तो हलवा कहते ही थाली में हलवा आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, राइट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। ठीक उसी तरीके से कोशिका विभाजन कहने से कोशिका विभाजित नहीं होती। हर एक काम को करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना। जैसे हम पढ़ने बैठे तो उसकी भी तैयारी होती है कि हम टेबल कुर्सी पर बैठे, बुक लें, रफ रजिस्टर लें, फिर रजिस्टर लें, नोट्स बनाएं, वो एक पूरी प्रक्रिया है। उसी तरीके से कोशिका विभाजन की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसको अंतरावस्था या इंटरफेज, और उसी को मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं तैयारी यानी इनकी प्रिपरेशन फेज भी कह सकते हो, ठीक है। बात कर रहे थे हलवे की, तो हलवे के लिए क्या करना है भाई? सारे मटेरियल चाहिए, आटा या तेल, घी, चीनी वगैरह वगैरह, है ना। तो उसी तरीके से एक कोशिका विभाजन करने के लिए, कोशिका को एक से दो भागों में टूटने के लिए, है ना, तो उसको तैयारी करनी पड़ती है, और वो तैयारी भी तीन अवस्था में। कितनी अवस्था में? तीन अवस्था में बटी हुई है। इसको बोलते हैं गैप वन, ठीक है। इसको बोलते हैं एस, एस को बोलते हैं संश्लेषण प्रावस्था। एस को क्या कहा जाता है? इस एस को कहा जाता है संश्लेषण, संश्लेषण प्रावस्था। अब आप लोगों को इस शब्द के बारे में तो अच्छे से पता होगा, संश्लेषण का मतलब क्या है? सिंथेसिस यानी कि निर्माण करना, डेवलप करना। तो ये वो प्रावस्था है जिसमें कोई ना कोई चीज बनेगी, इतना भी दिमाग में रख लो। क्लियर?
तो गैप वन, ठीक है, फिर संश्लेषण यानी कि एस अवस्था, देन गैप टू, इसको जी टू से कहा जाता है, जी टू से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो इधर देखिए, यहां से स्टार्ट हुई, ठीक है, यहां ये आप देख रहे हो जी वन अवस्था, क्लियर, एस यानी कि संश्लेषण प्रावस्था और जी टू अवस्था, इसको गैप टू कहते हैं। और आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन के दौरान या एक कोशिका चक्र में सर्वाधिक टाइम, सर्वाधिक जो टाइम है वो इसी अवस्था में है, यानी कि अंतरावस्था में, समझ रहे हो, जितना टाइम हलवे को खाने में नहीं लगता ना, उससे डबल टाइम उसको बनाने में लगता है ना। तो बस वो चीज सेम यहां है कि कोशिका विभाजन तो यूं मान लो झटके में हो जाता है, लेकिन उसकी जो तैयारियां हैं, प्रिपरेशन जो है ना, उसमें टाइम लगता है, क्लियर। तो बात करें कि कोशिका विभाजन और विभाजन की जो फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं अंतरावस्था, और अंतरावस्था में तीन भाग हैं, पहला जीवन, दूसरा एस यानी कि संश्लेषण, और तीसरा जी टू यानी कि गैप टू, क्लियर। फिर बात करें एम अवस्था, जो इसकी दूसरी अवस्था, देखिए हम इनको अच्छे से दोबारा डिटेल से फिर देखेंगे, एक बार मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अब देखिए, फिर है आपका एम प्रावस्था, एम प्रावस्था यानी कि इसको विभाजन प्रावस्था भी कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं अभी, इसको विभाजन, विभाजन प्रावस्था भी कहा जाता है ना, यानी कि इसको डिवीजन फेज कहा जाता है। अब देखिए, विभाजन प्रावस्था को भी बेसिकली एक साथ, इधर आप देख सकते हो ब्लैक जो बता रखा है, यहां से लगा करके ये जो पूरा जो पार्ट है ना, इस पूरे को कहते हैं आपके एम प्रावस्था यानी कि विभाजन प्रावस्था, क्लियर। इसके भी आगे दो पार्ट बनाए गए हैं, इसके भी आगे दो पार्टों में अपन स्टडी करते हैं। फर्स्ट बात करें तो कंप्लीटली इसको कहा जाता है एम फेज, यानी कि इसी को वापस से एम फेज अपन कह सकते हैं, है ना, तो इसको कहते हैं अपन एम फेज। और इसका जो दूसरा प्रावस्था है ना, उसको कहते हैं हम साइटोकाइनेसिस, क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस, और अपने बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, ये इसके बाद की एक प्रावस्था है, क्लियर। तो जो एम प्रावस्था है, एम प्रावस्था को भी आगे अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करें तो वो होता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टिलोफेज, क्लियर। तो देखिए, ये अभी हम अपनी जो स्क्रीन के ऊपर जो है वो अपना एक कोशिका चक्र का पूरा ओवरव्यू है, एक शॉर्टकट, एक समरी है, क्लियर, जिसमें दो अवस्थाएं होती है, एक होती है आपकी अंतरावस्था और दूसरी होती है आपकी विभाजन प्रावस्था या एम प्रावस्था, एम फेज कहते हैं इसको। ये आगे तीन भागों में बटी होती है, जी वन, एस और जी टू, और इसको भी बेसिकली ध्यान रखना एक साथ काउंट किया जाता है, लेकिन अपन स्टडी पर्पस से इसको फिर से देख रहे हैं कि एक होता है साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव विभाजन, और एक होता है एम फेज। ध्यान रखना मेन चीज है कि केंद्रक जो टूटता है, केंद्रक जो एक से दो बनता है, वो इसी अवस्था में होता है, क्लियर, और ये बहुत कम समय की होती है, बहुत कम समय की होती है। फाइनली क्या होता है कि एक कोशिका दो कोशिकाओं में चेंज हो जाती है, वन सेल चेंज इन टू डॉटर सेल, क्लियर। बात करें आगे, अब देखिए, अब इसी के अंदर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, अदरवाइज अपन क्या है कि इसी को वन बाय वन देखते हैं। देखिए, अब हम हर एक अवस्था को अच्छे से देख रहे हैं, क्लियर। तो फर्स्ट, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जीवन प्रावस्था, किसकी बात कर रहा हूं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो है अपनी जीवन प्रावस्था, ये वाले, ठीक है। देखिए, जीवन प्रावस्था में एक कोशिका विभाजन के लिए तैयारी करती है। एक चीज थोड़ा गौर से सुनिएगा कि एक जो कोशिका है इस प्रकार से, ठीक है, एक कोशिका में सबसे बाहर कौन हो गया, विकोशिका झिल्ली, उसके बाद में होता है अपने केंद्रक झिल्ली यानी कि केंद्रक, तो ये केंद्रक की झिल्ली का आवरण ये रहा, ठीक है, और उसके अंदर अनुवांशिक जो पदार्थ है, हमने आठवें चैप्टर में एकदम अच्छे से बात की भी है कि इसमें गुणसूत्रों के जाल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, जाल पाए जाते हैं,
क्लियर। और यहां होती है केंद्रिका और बाकी सारे कोशिका के जो अंग हैं, है ना, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, लाइसोसोम वगैरह वगैरह जो भी है, क्लियर। तो जब कोशिका को विभाजन करना होता है उस समय ध्यान रखना सबसे पहले कि ये जो कोशिकांग है ना, ये धीरे 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 क्या होने जाते हैं, ये धीरे धीरे गायब होने लग जाते हैं, है ना, धीरे धीरे क्या है कि डिसअपियर होने लग जाते हैं, क्लियर। धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, डिसअपियर होने लग जाते हैं। और इसी दौरान जो केंद्र की जो झिल्ली है, केंद्र की जो झिल्ली है, ये भी धीरे 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 क्या होने लग जाती है, ये भी धीरे धीरे डिसअपियर यानी कि विलुप्त होने लग जाती है। इट मींस जो तैयारियां हैं वो तैयारियां स्टार्ट हो जाती है। तो जीवन में केवल तैयारियां की जाती है लेकिन किसी भी चीज का निर्माण नहीं होता, समझ रहे बात को, कि इसके अंदर किसी भी चीज का निर्माण नहीं होता। तो जो जीवन है उसमें कंप्लीटली आपकी जो तैयारी है ना, वो तैयारी की जाती है किसके लिए, कोशिका विभाजन के लिए, क्लियर। देन अब जो इंपॉर्टेंट जो फेज है वो है आपके एस, एस यानी कि संश्लेषण प्रावस्था। देखिए संश्लेषण जो प्रावस्था है यानी कि एस प्रावस्था, इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखना कि जो डीएनए है, डीएनए है ना, कौन, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इन डीएनए की जो मात्रा है वो डबल हो जाती है। इट मींस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां एक एक्टिविटी होती है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन, क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन, और इसी को हिंदी में कहते हैं आपके प्रतिकृति, क्या कहते हैं, प्रतिकृति, ठीक है। अब देखिए प्रतिकृति या जो रेप्लिकेशन है ना, इसी को मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो इसको आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको आप याद रख लो फोटोकॉपी, इससे आपको एक टर्म याद रह जाएगी, प्रतिकृति या रेप्लिकेशन, उसको आपको समझाने के लिए बता रहा हूं फोटोकॉपी। मतलब कि जो भी डीएनए है उस डीएनए की हूबहू एक कॉपी और बन जाती है ना। मान लो ये डीएनए को अपन 2C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, तो इसमें जो डीएनए बन जाएगा है ना, वो डीएनए डबल यानी कि 4C में चेंज हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, एस प्रावस्था यानी कि संश्लेषण प्रावस्था, इस प्रावस्था में मुख्य रूप से डीएनए की, मुख्य रूप से डीएनए की फोटोकॉपीज बनती है, और इस फोटोकॉपीज बनने को कहते हैं रेप्लिकेशन यानी कि प्रतिकृति, क्या कहते हैं, प्रतिकृति, प्रतिकृति कहते हैं, है ना। और इसी प्रतिकृति जो है उसी को मैं आपको समझाने के लिए क्या बता रहा हूं, उसी को कहते हैं अपन फोटोकॉपी, क्या कहते हैं, फोटोकॉपी, जिसमें इसकी जो डीएनए की जो मात्रा है वो डबल हो जाती है। और वेरी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि जो गुणसूत्र है, क्या चीज, कि जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र की जो संख्या है, गुणसूत्र की जो संख्या है वो समान रहती है, क्या रहती है, समान रहती है, इट मींस नो चेंज। ध्यान से सुनना बच्चों, डीएनए की तो संख्या बढ़ रही है, डीएनए की संख्या बढ़ रही है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपके रेप्लिकेशन, बट गुणसूत्रों की जो संख्या है वो समान रहती है। उदाहरण के लिए मान लो कि ये जो कोशिका है वो आपके द्विगुणित कोशिका है, इसको डिप्लॉइड कहते हैं, है ना, और मान लो ये मनुष्य की कोशिका है ना, तो इसमें आपके क्रोमोसोम की संख्या होगी 46, क्लियर। तो जितने भी ये जो पूरी प्रावस्था है, इस पूरी प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या तो आपके 46 की 46 रहेगी, लेकिन डीएनए की संख्या बढ़ती जाएगी, और उसी टेक्निक को कहते हैं आपके रेप्लिकेशन। अब पूरा बोल लिखना चाहें उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृति, क्लियर। तो ये थी आपके सेकंड, फर्स्ट जीवन, और सेकंड जो प्रावस्था है वो है आपके एस प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था है, एस प्रावस्था, और इसी को संश्लेषण या निर्माण की प्रावस्था भी कहते हैं, क्लियर। चलो अब हम आगे बात कर रहे हैं आपके नेक्स्ट, उसके बाद में है G2। थर्ड जो प्रावस्था है, थर्ड प्रावस्था को कहते हैं आपके G2, और ध्यान रखना G2 को ट्रिगर प्रावस्था भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रिगर। इट मींस अगर हम बंदूक से शूट कर रहे हैं तो अगर ट्रिगर जब दब जाता है तो
तो क्या बुलेट वापस आती है क्या? नहीं आती। ठीक इसी तरीके से अगर कोई भी कोशिका है, इसने G1 को क्रॉस कर दिया और कहां आ गई S अवस्था में, S अवस्था को क्रॉस करके कहां आ गई G2 अवस्था में, इसका मतलब अब ये विभाजित ही होगी, यानी कि जो विभाजन है वो विभाजन होकर ही रहेगा। समझ रहे हो बात को? यहां एक चीज और बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती है हमारे शरीर में, कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती है जो निहायत ही आलसी, समझ रहे हो? आलसी का मतलब है कि ये विभाजन में नहीं जाती, मतलब नहीं जाना, हमें विभाजन नहीं करना है ना, जैसे हृदय की कोशिकाएं, तो वो क्या करती है, यही पड़ी रहती है, वो क्या करती है, यही पड़ी रहती है, आगे फेज में नहीं जाती। और जो कोशिकाएं कोशिका विभाजन की ट्रैक में नहीं जाती, इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, निहायत ही आलसी, उनके लिए फिर टर्म यूज किया जाता है, उसको कहते हैं G0। क्या कहते हैं? G0 प्रावस्था। समझ रहे बात को? रिपीट कर रहा हूं कि वह कोशिका जो आगे, यानी कि इससे लगा करके आगे वाले फेजेस में नहीं जा रही हो और विभाजन करना बंद कर दिया हो, उन कोशिकाओं के लिए टर्म यूज की जाती है, उसको कहते हैं G0 प्रावस्था। इनको शांत प्रावस्था भी कहते हैं। कौन सी प्रावस्था होती है कोशिका की? ये कोशिका की शांत प्रावस्था होती है। बात समझ आ रही क्या? ये कोशिका की शांत प्रावस्था होती है, रेस्टिंग टाइम कह सकते हो, और जिसको मैं लोकल भाषा में, अपनी भाषा में कहता हूं आलसी। क्लियर? तो देखिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि कोशिका है, उसने जीवन अवस्था को क्रॉस कर दिया, एस अवस्था में, यानी कि रेप्लिकेशन वगैरह हो गया, तो वो G2 अवस्था में टर्न कर जाती है, और G2 अवस्था में टर्न करने का मतलब ही वही है कि कोशिका अब आगे कहां जाएगी, वो आगे अब कोशिका विभाजन में जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत है? इसीलिए इसको ट्रिगर प्रावस्था भी बोलते हैं, ट्रिगर फेज भी कहा जाता है। ठीक है, चलो, तो यहां तक अभी तक हमने बात की है, फर्स्ट जो प्रावस्था थी अंतरावस्था, और संतरावस्था के तीनों अवस्थाओं के बारे में हमने बात की। क्लियर? अब हम आगे देख रहे हैं कोशिका चक्र का दूसरा जो पड़ाव है, जो बहुत कम समय के लिए होता है ना, उस प्रावस्था को कहते हैं अपने एम प्रावस्था। क्या कहते हैं? एम प्रावस्था। और एम प्रावस्था को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टिलोफेज, जो वास्तविक रूप से क्या है, वास्तविक रूप से आपके सूत्री या सूत्र विभाजन, यानी कि केंद्रक जो टूटता है, वास्तविक रूप से इसको केंद्रक विभाजन भी कहते हैं, केंद्रक विभाजन। क्या कहते हैं? वास्तविक रूप से इन चारों अवस्थाओं को क्या कहते हैं? केंद्रक विभाजन अवस्था। इंग्लिश में कहते हैं इसको कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्या कहा जाता है भाई? इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्लियर? तो देखिए ये जब हम टॉपिक करेंगे तो इनको एकदम अच्छे से देखेंगे। कुल मिलाकर के एक बार रिपीट कर देता हूं कि कोशिका जो विभाजन है, कोशिका विभाजन जो है वो एक चक्रीय प्रक्रिया को फॉलो करता है, जिस चक्रीय प्रक्रिया में मुख्य रूप से दो अवस्थाएं होती है, एक होती है आपके अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज, दूसरी जो प्रावस्था है जिसको कहते हैं आपके यहां से लगा करके यहां तक कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, यानी कि वास्तविक रूप से केंद्रक जो टूटता है वो इसी अवस्था में टूटता है। ठीक है, और इसी अवस्था को हमने बात की थी, क्या क्या कहते हैं? इसी अवस्था को कहते हैं आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टिलोफेज, शॉर्टकट में इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और लास्ट में अंत्यावस्था। क्लियर? और बाद में लास्ट में जो है वो है साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो आज हमने इस वीडियो में कोशिका विभाजन के प्रकार और कोशिका चक्र की जो रूपरेखा है उसके ऊपर हमने चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका विभाजन के प्रकारों के बारे में, जो कि दो प्रकार से होता है, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोटिक डिवीजन और
अर्धसूत्र विभाजन यानी कि मियोसिस सेल डिवीजन। ओके, थैंक यू।